मैडम सर अपना नाम बताइएगा। मैं सुनीता कुमारी, मेरी मासूमियत ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। मुझे लगा कि वो सच में मुझसे प्यार करता था। हाँ, मैंने धोखा दिया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं। मैंने जो किया सही किया। लेकिन उसका मकसद एक ही था, यहाँ तक कि उसने मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा, मुझे वेजिटेरियन बनाना। देखिए भैया, वेज हार्ट है और यह एक उगती हुई समस्या है। ये सीधे खेतों से उग करके हमारे घरों में आ रही है, समझे? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब KFC में उसने बृहस्पतिवार का बहाना बनाकर वेज राइस ऑर्डर किया था। तुम्हारी ये जेल की सलाखें और दीवारें हमें नहीं रोक सकती। लेकिन वो दिन तो फ्राइडे था, फिजिक्स का क्लास। यह वेज हार्ट बेरोजगार की एक कसाई की बेटी से शुरू हुई और अब पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। इसे हम चुनावी मुद्दा बनाएंगे। उस शाकाहारी राक्षस से अगर मुझे मुर्गापा के कार्यकर्ता नहीं बचाते तो आज भी मैं उन मासूम जानवरों से उनके मुंह का निवाला छीन रही होती। मुझे लगा था कि मुझे एक ऐसा पति मिलेगा जो ट्यूबवेट पे मुझे रोमांस वीडियो दिखा के, बट वो तो मुझे गाय बकरी काटने की वीडियो दिखा के मुझे गिल्टी फील कराता था। अरे, कभी कोई शाकाहारी को मांसाहारी बनते हुए देखा है? हमेशा मांसाहारी ही मांसाहारी बनता है। भैया जी गलत बोल रहे हैं। भैया जी क्या गलत? शाकाहारी। अरे तुम एडिट कर देना भाई, हम हर सब्जी दुकान के सामने आके धरना प्रदर्शन करेंगे और जो हमारी माँ बेटियों को घास फूस खिलाएगा उसे हम हड्डी से मारेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, हम वेज जिहाद को जारी रखेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया शाकाहारी होगी। भाई इसका पैसा तो मिलेगा ना? No animals harmed in the making of this video. इस एपिसोड के सभी पात्र वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन? हाँ, हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं भाई। मुर्गापा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।